सलाम नमस्ते सत श्री अकाल खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और हरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो है मालदीव के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास पाकिस्तानी या इंडियन, बांग्लादेश या नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट है तो आप किस तरह जो है ना वो मालदीव जा सकते हैं बिना कोई वीज़ा लिए। अगर कुछ कंट्रीज़ का होगा जैसे नेपाल या अफ़गानिस्तान का तो वो ई वीज़ा होगा या वीज़ा ऑन अराइवल होगा। तो इस वीडियो में ये सब कुछ मैं बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल हसन सियालकोटी सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके पास साथ ही बेल का नोटिफिकेशन आ रहा होगा। अगर आप मोबाइल पे हैं तो वहाँ पर भी बेल का नोटिफिकेशन आ रहा होगा, उसे प्रेस कर दीजिए और सेव के बटन को क्लिक कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मैसेज आ जाएगा जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा। तो बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बांग्लादेश का जुग्राफिया मालदीव का जुग्राफिया और लोकेशन जान लेते हैं। बांग्लादेश एक इंडियन ओशन में वाकिया कंट्री है जो कि एक आयरलैंड टाइप कंट्री है, जो कि मैप में आपको जो है ना वो बहुत ही कम दिखाई देगी। ये रहा, ये देखें, मालदीव श्रीलंका से करीब ही है, श्रीलंका के। ये मालदीव छोटा सा मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। आप इसमें जाएं, आपको इसका वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए पता करते हैं कि वो कौन कौन सी कंट्री हैं जिनको इनका वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह है बांग्लादेश की पासपोर्ट की वेबसाइट। विकिपीडिया की तरफ से 41 कंट्रियों में बांग्लादेश का वीज़ा फ्री है या वीज़ा ऑन अराइवल है, तो इसमें आप देख सकते हैं। ये रहा मालदीव, तो देखते हैं इसका वीज़ा फ्री है या नहीं है। अगर आपने इससे पहले वीडियोज़ नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए। मालदीव किधर है, ये रहा, ये देखें मालदीव। देखें, आपके सामने है बांग्लादेश के पासपोर्ट के ऊपर जो है ना, आप बांग्लादेश से फ्लाई करेंगे मालदीव तो एयरपोर्ट पर आपके लैंड करते ही जो है ना वो आपके पासपोर्ट पर 30 दिन का वीज़ा लिखवा दिया जाएगा। एक इम्पोर्टेंट बात जो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में, तो अगली जो है वो आपके सामने है, खुल रही है इंडिया की। इंडियन पासपोर्ट के लिए भी जो मालदीव का वीज़ा है वो फ्री है। देखते हैं, जी हाँ, ये रहा मालदीव का वीज़ा। रिक्वायर्ड नहीं है, आप सिर्फ टिकट कराएं और वहाँ पर चले जाएं 90 दिन के लिए। ये देखिए मालदीव का। उसके बाद पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को आई थिंक 30 दिन का वीज़ा है। ये देख लें, वीज़ा ऑन अराइवल है। बांग्लादेश और पाकिस्तानियों को वीज़ा ऑन अराइवल है और जो है ना इंडियन को वो वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है, वो भी 90 दिन के लिए। तो ये था। और आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, आपके पास जितने दिन आपने वहाँ पर रहने हैं, आपके पास पर डे के हिसाब से $100 हों तो आपको एंट्री मिलेगी। आपने जितने दिन रहना है उस हिसाब से आपका एक दिन का ख़र्चा है जो वो $100 हो। उसके बाद आपके पास आपका पासपोर्ट, उसके ऊपर 2 या 3 जो है ना वो सफ़े खाली होने चाहिए जिस पे आपकी जो है ना वो वीज़ा लगेगा और इन आउट की जो है ना वो मोहर लगेगी। उसके बाद आपके पास जो उस वीज़े की, उस पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो 6 माह के लिए जो है ना वो वैलिड होना चाहिए, तभी आपका जो है ना वो वीज़ा लगेगा। तो ये सब कुछ बातें जो है ना आपने ध्यान में रखने के बाद जो है ना वो मालदीव जाना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।